यार ये एमके सुपरमार्केट जो मैंने खोल रहा था इससे पहले तो मेरा एक तो तकरीबन 8-10 साल से मेरा तजुर्बा है मेरा एक दूसरा छोटा सा ब्रांच भी है और तकरीबन एक दो स्टोर हमने पार्टनरशिप भी और भी खोला हुआ इसी कोटा शहर में एक तो ये मेरा शौक है दूसरा जो मतलब जो बड़ा सा स्टोर यहाँ पे कोटा में जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फुट भी है मतलब इतना एक फ्लोर पर मतलब नहीं है कोटा और दूसरा तो ये है कि मिसाल कारोबार में एक तो स्टोर का मेरा कारोबार उसका जो मैं शौक रखता हूँ दूसरा बात यह कि आवाम के लिए भी और मतलब ये कि मेरे जो स्टाफ है मेरे साथ तकरीबन इस टाइम 100 बंदे हैं वो जब हमने कमाई करना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं करना है क्योंकि मेरे साथ जो बंदे हैं 100 बंदे अपने लिए तो हर कोई वो करवा सकता है कमाई एक तो ये दूसरा बात यह कि मतलब आवाम के लिए भी सहूलत है क्योंकि दाल सब्ज़ी वगैरह गोश्त मतलब फ्रूट सब कुछ इतना बड़ा मतलब स्टोर में कोटा में आज तक किसी ने नहीं खोला हुआ है मतलब ये तो आगे से भी इंशाल्लाह हम जो है और भी वो करवा देते हैं कि मिसाल तरक्की इसमें जो है जो सामान वामान हम ग्रोसरी आइटम बेकरीज और फ्रूट ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट कॉस्मेटिक्स और घर की जो खराखरी वगैरह गोश्त दाल वगैरह सब कुछ तकरीबन है मेरे पास घर का मतलब जब एक ही बंदा आ जाए उसके लिए कोई और मतलब परेशानी नहीं है कि मिसाल घर की मिसाल छोटे से बड़े बड़े तक हर चीज़ यहाँ पे जो इंशाल्लाह पूरा कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले तो मैं जब खालिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने आज एमके के नाम से एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर जो है इंटरनेशनल सतह पे खुलवाया है मैं इसको मुबारकबाद देते हैं साथ ही ये जो हमारे शहर की जो हालात है इस तरह लोगों को जो कोटा शहर में गुंजान आबाद आबादी है लोगों को वहाँ पर ख़रीदारी पर बड़ी मुश्किल है पार्किंग पर मुश्किल है इस तरह एकदम सूबाई हुकूमत को करनी चाहिए थी कि लोगों की सहूलियत के लिए एक नए जो है बिजनेस सेंटर खोलनी चाहिए थी लेकिन अफसोस की बात है कि सूबाई गवर्नमेंट तो पिछले 10 साल से बल्कि 5 नहीं 10 साल से सोया हुआ है ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों की हिम्मत है कि लोगों को ये सहूलियात फ्राहम कर रहा है और इंशाल्लाह ये जो बहुत अच्छे इकदाम है स्टोर के मालिक मालिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे कोटा शहर में इतना खूबसूरत स्टोर जो एक छत के तले सब कुछ खुराक के मतलब चाहे जो भी फूड आइटम हो जो चीज़ें हो दूसरा जाना नहीं पड़ता है और हमारा इलाका जैसा इलाका है कि कोटा शहर में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं था रोज़ परोज़ आ रहा है मैं उसको मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि इनके साथ 100-150 बंदे और भी रोज़गार पर लगे हुए हैं और मैं मज़ीद भी उसके साथ अप्रिशिएट करता हूँ जहाँ पर भी है हम लोग इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे हमेशा रहेंगे मेहरबानी है तो मिसाल घर का जो 28 चीनी वगैरह किसी का मजबूरी है मतलब और इसमें जो है मतलब ये रायत तो भी मिलेंगे मतलब इसके बगैर मिसाल कोई और सब मतलब या बॉर्डर या मिसाल कोई और कारोबार तो बिल्कुल कोई टाइम पाकिस्तान में है ही नहीं और कोरोना के बाद जो कारोबार लोगों ने किया हुआ था मिसाल 70% लोग ऐसे बैठे हुए ये तो ऐसा कारोबार है कि मिसाल ज़िंदगी भर जो कारोबार है या नहीं मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ तो चलेगा मिसाल इस वजह से तो 10 साल से मेरा तजुर्बा है मेरा एक तो शौक था 10 साल से पहले और उसके बाद मेरा तजुर्बा है